हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस ब्रिज के अंदर। दिस इज डिंपल यादव। तो बेटा, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट के बाद हम आपके लिए एक नया बैच लेके आए हैं, वो भी किसके लिए? नाइन्थ और टेंथ के लिए। तो बच्चों ने बोला, सर हमें नाइन्थ और टेंथ में भी बहुत सारी दिक्कत आ रही है, थोड़ा अच्छे लेवल का पढ़ लेंगे तो हमें इलेवंथ ट्वेल्थ के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जो हमारा इलेवंथ और ट्वेल्थ का बैच चल रहा था वो रेगुलर चलता रहेगा, एक नए बैच के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको प्रोवाइड करवा के आपकी नॉलेज को बूस्टअप किया जाएगा। आपको बेसिक लेवल से, एनसीईआरटी लेवल से सारे के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो हम नाइन्थ और टेंथ के ऊपर पूरा का पूरा मैथमेटिक्स और साइंस कंप्लीट करवाएंगे विद इन 4 मंथ। ठीक है, तो प्लीज आप फोकस के साथ पढ़ना ताकि आपकी नॉलेज अच्छे से बूस्टअप हो सके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, लेक्चरबाजी करेंगे थोड़ी देर बाद में। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, वो पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, ये नाइन्थ और टेंथ का कॉम्बो है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर नाइन्थ और टेंथ दोनों कवर हो जाएंगे, लेकिन हम इनको सेपरेटली सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। तो देखो बेटा, पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, एक होता है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये एलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? जैसे कि बेटा, मैंने कोई भी टर्म लिख दी, 5x² + 2x + 3 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इन कांस्टेंट और वेरिएबल के मिक्सअप को हमने प्लस और माइनस साइन से अगर सेपरेट कर दिया तो वो बन जाती है क्या? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन नंबर्स को मिक्सअप करके लिखना। ठीक है, अब इसी नंबर को अगर मैंने इक्वेट कर दिया 0 के बराबर तो बेटा ये बन जाएगी एलजेब्रिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इक्वेट कर दिया, ये बन जाएगी एलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है और एलजेब्रिक इक्वेशन होता क्या है। अब इन्हीं चीजों से हम पॉलिनोमियल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं वर्ड बोल रहा हूं पॉलिनोमियल, बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अगर थोड़ा सा मैं राय दे दूं तो बेटा इसको बोलते हैं बहुपद। ठीक है बेटा, इसको बहुपद बोल देते हैं। ठीक है, चैप्टर कोई नहीं, हम आपको हिंदी में भी बताते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आगे देखो। अब ये पॉली का मतलब क्या होता है बेटा? बहु मतलब ज्यादा, पॉली का मतलब बेटा होता है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। ठीक है, तो जिस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मैनी टर्म्स, बहुत सारी टर्म में होती हैं, उसको पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारी होती हैं उसको तो पॉलिनोमियल बोल दिया, अगर जिसके पास सिर्फ एक टर्म होगी उसको क्या बोलेंगे? तो देखो जी, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो उसको बोलेंगे बेटा मोनोमियल। अभी टर्म क्या होता है, जिसके पास दो हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, और बेटा जिसके पास तीन टर्में होती हैं उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, अभी टर्म क्या होती है बेटा? टर्म का मतलब होता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट को मिक्सअप को प्लस माइनस साइन के साथ सेपरेट करना। ठीक है, अब हमने इसको प्लस माइनस साइन के साथ सेपरेट किया तो बेटा इसके अंदर एक टर्म तो कितना, 1, 2, 3, इसके अंदर कितनी हो गई? 3 टर्में हो गई। तो बेटा ये एग्जाम्पल किसका होगा? ट्राइनोमियल का। ठीक है, जिसके अंदर 3 टर्में होती हैं वो क्या हो जाता है? ट्राइनोमियल। जैसे मैंने लिख दिया क्या, 2x + 5, बेटा ये क्या हो गया? बाइनोमियल। देखो 1 और 2 काउंट कर सकते हो आराम से बेटा, इसके लिए आप 5x 2x कुछ भी लिख दो, ये हो जाएगा मोनोमियल। ठीक है, 5 और x को अलग अलग काउंट नहीं करना, सिर्फ प्लस और माइनस साइन के साथ जो चीजें सेपरेट होंगी उसी को ही टर्म बोलेंगे, इनटू और डिवाइड के साथ टर्म में जो आएंगी उनको आप टर्म नहीं बोलोगे। ठीक है, तो प्लस माइनस साइन के साथ ही सेपरेट होने चाहिए। तो आपको ये क्लियर हो गया भाई, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। तो एक वर्ड मैं और बार बार यूज कर रहा हूं बेटा, एक होता है कांस्टेंट, बेटा एक होता है वर्ड वेरिएबल। मैंने बोला था ना, मिक्सअप ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है बेटा, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, जो चेंज ना हो। जैसे मैंने लिख दिया विच नॉट चेंज, बेटा थोड़ा सा शॉर्टकट व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख रहे हैं, समझ जाना इसको। ठीक है, विच नॉट चेंजेस, लाइक अगर एग्जांपल लो बेटा, मैंने 5 लिख दिया, 8 लिख दिया, 10 लिख दिया, है ना, 5, 8 and 10, ये चेंज नहीं हो सकती। 5 को मैं 6 नहीं बोल सकता। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट टर्म में है एक्चुअली में। ठीक है जी,
अब देखो वेरिएबल क्या होता है बेटा, देखो बहुत बार इसको ए बी सी के रूप में भी डिनोट किया जाता है। जैसे मैंने लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं ए एक्स प्लस बी, बेटा जो ए और बी भी ये क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, बट इसको बोल दिया जाता है कि ए एंड बी आर द रियल नंबर्स विच इज अ कॉन्स्टेंट एंड हेयर इज एक्स इज ओनली द वेरिएबल। ओके कोई नहीं, हर चीज क्लियर करेंगे आगे बढ़ते बढ़ते। वेरिएबल क्या होता है बेटा, वेरिएबल का मतलब वेरी का मतलब होता है बेटा चेंज, जो चेंज हो जाए। चेंज क्या हो सकता है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, इटीसी, है ना, ऐसी जो चीजें होती हैं वो चेंज हो सकती है। जैसे कि हमने यही एग्जांपल लिया था, इसके अंदर क्या हुआ था 5x2 + 2x + 3। अब ये 3 तो फिक्स नंबर है, बट 5x2 का मुझे नहीं पता क्या आने वाला है। इसको सोल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगी उसी को ही बताऊंगा कि हाँ ये नंबर आएगा इसका। एक्स की वैल्यू चेंज कर सकती है, 1 भी आ सकती है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकती है, तब जाके चेंज हो जाएगी, बट दिस नंबर इज द फिक्स नंबर। ओके चलो, तो वेरिएबल समझ में आ गया आपको, कॉन्स्टेंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं डिग्री की, ठीक है। अब ये डिग्री होती क्या है, देखो बेटा डिग्री, अरे कॉलेज वगैरह की डिग्री नहीं है, ठीक है, ये अलग डिग्री है, हमारी डिग्री है, ठीक है। देखो बेटा, अब जो भी मैंने ये मोनोमियल लिख दिया, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जो भी लिखा है, एक कॉन्स्टेंट था, एक वेरिएबल था। बेटा जो वेरिएबल की हाइएस्ट पावर होती है ना, दैट इज कॉल्ड वॉट, डिग्री, ठीक है। जैसे कि मैंने ऐसे लिखा ए एक्स प्लस बी, बेटा इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स, एक्स की पावर कितनी है, जिसके ऊपर रेज टू द पावर 1 है, तो बेटा जिसकी पावर 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल, चमका। जिसकी पावर 2 होती है वो क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक, सारा पढ़ाएंगे डोंट वरी बेटा। जिसकी पावर 3 होती है वो क्या होता है, क्यूबिक। और बेटा एक और बता देते हैं आपको, जिसकी पावर 4 होती है उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब इनके एग्जांपल भी देंगे आपको बेटा। लीनियर, लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1, टेंशन नोट, आपको nth डिग्री का भी पॉलिनोमियल करवाने वाले हैं अभी, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल है, जो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब बेटा बेटा होता है ए एक्स प्लस बी, जैसे कि 5x + 2 विच इज रिटन हेयर लाइक, इसकी देखो एक्स की डिग्री कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1, सॉरी पावर, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। इसमें बेटा देखो पावर कितनी है 1, तो बेटा इसको बोलेंगे लीनियर, इसकी डिग्री कितनी होगी 1, क्यों, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही ये है। तो डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बेटा ये एग्जांपल है ही हमारे पास, और एक्सप्रेशन ऐसे लिख देते x² + bx + c, बेटा क्वाड्रेटिक का यही एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, पावर 2, तो डिग्री 2 हो गई, जिसको भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर काउंट करें। बेटा क्यूबिक के अंदर x³ - 1 ले लिया, x⁴ + 5 ले लिया, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अगर हमें nth डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना हो तब क्या करेंगे। तो देखो बेटा, जहां पे a b c है, ये क्या सारे के सारे क्या है, कॉन्स्टेंट है, हमने यहां पे बताया था आपको, ठीक है। अब मुझे nth डिग्री का लिखना है ना, तो क्या करना है, मुझे x की पावर को n करना है, ठीक है, x की पावर को n, फिर उसको घटाते चलना है। क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ nth डिग्री का लिख सकता हूं, इसका मतलब ये नहीं होता कि nth डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। यस इट कैन बी, n+1 भी हो सकता है, बट मैंने क्या बोला, हाईएस्ट मैं nth ले रहा हूं, ठीक है। तो बेटा मैंने a नोट मान लिया, ये कोई भी न्यूमेरिकल नंबर है, ठीक है, उसकी पावर n मान ली, बेटा इसको चेंज करते जाओ a1, बेटा इसको घटाते जाओ। अब घटाया क्यों है, बढ़ा भी सकते थे बेटा, अगर बढ़ाते तो nth डिग्री का नहीं बनता, वो nth प्लस 1th का, फिर n + 2th, ऐसे बढ़ती जाती डिग्री, ठीक है, हमने सिर्फ nth डिग्री का लिखा है, ठीक है बेटा। डॉट 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 डॉट, बेटा एक टाइम ऐसा आएगा जब n - n हो जाएगा, n - n हो जाएगा बेटा, ये 0 है तो n - 0 हो गया, 1 है n - 1 हो गया, n है n - n, बेटा n - n, तो x की पावर 0, बेटा किसी की भी पावर 0, हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1, ये लास्ट में क्या आएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। तो किसी की भी पावर 0, जैसे 5 raised to the power भी 0, 1 आएगा, 6 raised to the power 0 भी क्या आएगा, बेटा 1, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड आएगा, जैसे कि हमने 5 को 0 से डिवाइड कर दिया तो बेटा ये इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड आएगा, इसका कोई नंबर नहीं होता। अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यस वो 0 आ जाएगा, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखा करो। और 0 बेटा एक रेशनल नंबर है, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, देखो
आपको डिग्री समझ में आ गया और nth डिग्री का पॉलिनोमियल भी समझ में आएगा कि nth डिग्री को कैसे लिखेंगे। तो कुछ एग्जांपल ले लेते बेटा, 5x^8, 5x^9 प्लस 6x² प्लस 2। बेटा इसमें डिग्री कितनी है? देखो बेटा इसको मत लिख देना, पहले नंबर वाले को मत लिख देना, इसमें हाईएस्ट पावर देखो बेटा 9 है, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई बेटा, इसकी डिग्री आ गई 9 आ गई। ठीक है, जो आज का लेक्चर है ना वो बेसिक लेक्चर है, कल हम पॉलिनोमियल के टाइप भी पढ़ेंगे, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी, कैसे कैसे वेरी करेंगे, ठीक है, सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, फिर इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरी टर्म, ये चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं बेटा, देखो मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया, मैं कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो बेटा ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर के आगे एक वर्ड है 5, दैट इज कॉल्ड कोफिशियंट। बेटा कोफिशियंट इसको क्या बोलते हैं, कोफिशियंट। ठीक है, इसके जो आगे टर्म होती है ना उसको कोफिशियंट बोल दिया बेटा। x का कोफिशियंट क्या बेटा, 2 कोफिशियंट है। अब जैसे मैंने 5xyz लिख लिया, ठीक है, अब कोई बोले माइनस भी लिख लिया इसके साथ, बताओ x का कोफिशियंट फाइंड आउट करो, सिर्फ x का कोफिशियंट फाइंड आउट करो। x का कोफिशियंट कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, हमेशा याद रखना जो आगे नंबर होता है दैट इज नॉट कोफिशियंट, जो आगे पीछे नंबर होते हैं दैट इज कॉल्ड कोफिशियंट। तो बेटा इसका कोफिशियंट क्या आ जाएगा, -5yz। ठीक है, अगर कोई बोलता जेड का कोफिशियंट फाइंड आउट करो, देन दिस नंबर विल बी द जेड का कोफिशियंट। ठीक है, आपको कोफिशियंट समझ में आया, कॉन्स्टेंट समझ में आया, वेरिएबल समझ में आया, डिग्री समझ में आई। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही डीप टॉपिक है। ठीक है, क्लियर है, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल। अब बात करो, जिसकी पावर बेटा डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होती है, देखो डिग्री हमने काउंट कर लिया, उसको क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 देखो ये आ गई, इसको बोलते हैं क्यूबिक, और 4 डिग्री आ गई इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब जैसे जैसे चैप्टर इंक्रीज करेगा तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, देखो एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, जीरोज को फाइंड आउट करना पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ आज का बेसिक लेक्चर था कि आपको बता सके कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो कल से रेगुलर क्लासेज आएंगी 9th के ऊपर, 10th के ऊपर आपको पर वीक 3-4 क्लास मिलेंगी, जो 11th 12th का टॉपिक चल रहा था वो रेगुलर चलता रहेगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा पॉलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट वगैरह सारे के सारे, लीनियर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है सारा का। अब देखो एक बेटा जीरो पॉलिनोमियल होता है, हमने एक डिग्री की तो बात कर ली, जिसकी जीरो डिग्री हो उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसको बेटा जीरो पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, जैसे कि 5 है बेटा, इसके साथ कुछ भी नहीं है, अभी मैंने बोला था किसी की भी पावर जीरो क्या होती है 1, तो मैं इसके साथ x की पावर जीरो लिख सकता हूं बेटा, ये क्या हो गया x की पावर जीरो आ गई, दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल करते हुए मुझे काफी टाइम हो गया। ठीक है, अब पॉलिनोमियल एक बात बताना भूल गए हम कि पॉलिनोमियल कैसे होता है। देखो पॉलिनोमियल किसी की भी पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, थोड़ा हिंदी में बोले तो बेटा जो होल नंबर के अंदर पावर आती है ना वही पॉलिनोमियल होता है। जैसे मैंने लिखा व्हाट, मैंने लिख दिया ये 5x^2, 2x+5, बेटा ये पॉलिनोमियल है या नहीं, मैं बोलूंगा यस इट इज पॉलिनोमियल। लेकिन मैंने लिखा क्या, मैं नीचे लिख रहा हूं ध्यान देना, मैंने 5√x लिख दिया प्लस 6x^-1 लिख दिया, बेटा जो नेगेटिव पावर आ जाएंगी ना वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, रूट की पावर आ जाएंगी वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, जो अपॉन में पावर आ रही है ना 1/x वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पावर होल नंबर के अंदर होगी वही पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो कल से प्लीज रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए और अपनी नॉलेज को बूस्टअप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और हमारे बाकी के लेक्चर भी देख लो, हमने वीडियोस डाल रखे हैं चैनल पे बहुत सारे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफी है।